number plant required for. Yes. Okay. It has been decided now. You are going to start your CI. Then, it is about 2 o'clock, it is about 1 o'clock, it is about 3 o'clock, whatever. But you are consuming plenty of water for your CI. ठीक है 3 घंटे में कर रहे ज्यादा कर रहे 2 घंटे में कर रहे कम कर रहे 1 घंटे में कर रहे कुछ उससे भी कम कर रहे मेरा कंसर्न ये नहीं है मेरा कंसर्न ये है कि अगर आपके पास आप सीआईपी कर रहे हैं तो ये सब जो लाइट को मैं बोल रहा हूं आप कैसे हो अब आप जो सीआईपी कर रहे हैं आपकी सीआईपी के बाद जो आपका वेस्ट वाटर है उसकी पीएच कितनी है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं कुछ और उन पार्टिकल्स की वजह से ही आपको सीआईपी करनी पड़ती है ठीक है तो ऑफ कोर्स अगर आप इसके अंदर अपना पानी ले रहे हैं इसमें तो उसके उसकी टर्मिनिटी वो फर्ज कर लें कि मोर देन 20 एनटीयू में करनी अगर इससे कम तो हो नहीं सकती अगर पार्टिकल हम इसमें जो है टर्मिनिटी को चेक कर रहे हैं विद कंडक्टिविटी आपके लिटी करते बहुत अच्छी बात है बट इफ यू वांट टू मेक योर मोर एफिशिएंट प्लांट दिस टू बी नीडेड ऑन इट ऑन एन मॉनिटरिंग ऑफ टर्मिनिटी ये कर ले आपको आसान तय कर इसके बाद हम इस पे आ जाएंगे बाद में पहले होगी पीएच दूसरी होगी आपकी टर्मिनिटी और तीसरा आप कह रहे हैं कनेक्टिविटी करते हैं yes. तो टीडीएस की जरूरत नहीं है ठीक है ना टीडीएस की जरूरत नहीं है आपके पास रिटर्न ऑफ वाटर कंजप्शन 30 क्यूबिक मीटर नहीं है इसका आपके प्लांट आपका प्लांट का जो आपकी एसओपी है ना उसकी एसओपी का ताल्लुक हो सकता है आपके सिस्टम एक्सटर्नल सिस्टम में आपकी एसओपी कोई इंटरफेयर करना नहीं चाहिए तो आप कूलिंग टावर का पानी लेते हैं या आप कूलिंग टावर का पानी ले रहे हैं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जो इसमें टर्मिनिटी है या जो इसके अंदर वो है इसकी पीएच है ठीक है ना तो ये पता नहीं मुझे अंदाजा नहीं है अपने इनका आपने कभी आपने से किसी ने पेप्सी में काम किया या कोका कोला में कभी 20 इयर्स अगो नहीं तो यू डोंट हैव एनी आईडिया अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस ऑफ पेप्सी और कोका 35 इयर्स क्या करते थे वो एक ऐसा रिएक्टर बनाते थे मतलब अब इस रिएक्टर को मैं तो अब आपको एक नया इसका मॉडल डिजाइन इसकी मैं दे दूंगा ठीक है ना आप वो कर लीजिए तो ये बना लीजिए आप अगर इसका आप 60 फुट 7 फुट डाया रख लें
और इसका जो है आप 9 फीट इसकी हाइट रख ले और फिर 9 फुट के बाद ये 45 है बस इसको लाके नीचे 3 इंच की या 4 इंच की जी कोन बना दें, ठीक है ना। इधर से आप आपके पास फिर मैं ये कहूँगा कि आयरन प्रॉब्लम अगर नहीं है तो आप फेरिक क्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, फेरिक क्लोराइड। लेकिन चूंकि आपकी पीएच यहाँ पर 9 है तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप फेरिक क्लोराइड की बजाय एल्यूमिनियम सल्फेट इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना। अब आप एल्यूमिनियम सल्फेट इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4, ये दोनों बन जाएगा। ये H2SO4 आपके इस पानी के पीएच को अगेन 7.5 और 7.0 के बिटवीन ले आएगा, ठीक है ना। और अच्छा, ये जो आप डोज करेंगे, एक तरफ से आप डोज करेंगे इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और दूसरी तरफ से आप इसके अंदर डोज कर देंगे सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है ना। इसकी क्लोरिनेशन होगी यहां पर, ये जब आप बिल्कुल नीचे से डोज करेंगे व्हर्लिंग मोशन बनेगा, ठीक है ना। आप बॉल फेंकते ना किसी गेंद के गेंद को बाल्टी में फेंकते ना, अंदर घूम जाती है बॉल, व्हर्लिंग मोशन लाइक ये व्हर्लिंग मोशन ठीक है, ये ऐसे उठेगा, उठता जाएगा। उठने के साथ साथ क्या होगा कि जो आपके फ्लॉप्स हैं वो तो डाउनवर्ड पोजीशन में इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना, और पानी जो है वो मतलब जाएगा ऊपर, और ये यहाँ से आप इसको वापस आउट ले लें। इसको आपको एटलीस्ट 90 मिनट्स का रिटेंशन टाइम देना होगा, 90 मिनट बाद ये पानी अगेन रीयूज फॉर मतलब सीआईडी और wherever you want to use. अगर आपके पास अब इनिशियली आपके पास कौन से कूलिंग टावर है, इंड्यूस्ड ऑफ्टेन, इंड्यूस्ड ऑफ्टेन, और ब्लोअर्स कितनी है नीचे ऊपर सिर्फ नीचे ऊपर भी है जो ऑटोमेटिक ऑफ है और जो उसकी ब्लोअर्स वो टॉप टू बॉटम है या नो टॉप बॉटम है बॉटम पे इसका मतलब काउंटर फ्लो है आपका कूलिंग टावर कौन सा काउंटर इंड्यूस्ड ऑफ्टेन ठीक है ना वो इंडियन ड्राफ्ट को काउंटर फॉर अब उसके अंदर एटी पास की कैपेसिटी कितनी है 10,000 किलोवाट है 10,000 87 अच्छा अच्छा और उसको आप अपना ये वेपर फॉर्मर ही देते हैं उसको हम सर उसको सारा जो है सेकोट देते हैं मेकअप ड्रामा मेकअप जीरो उसको मतलब आप इतना वेपर होते हैं अंदर सर क्या उनको देते हैं यस सर ठीक है ना जो हमारा मिल्क है 85% वाटर ही है ना वाइब्रेशन पे जब आता है जब वाटर सॉलिड लेके आता है जब वाइब्रेट से निकलता है तो वो 52% सॉलिड्स होते हैं सो देन द वाटर टेकन आउट इज कंडेंसेट तो ठीक है लेकिन आप इसकी क्वालिटी को आपस अपनी ले हैं आप अगेन इसकी क्वालिटी को चेक कर ले इसकी टर्बिडिटी भी ऑलमोस्ट आपकी रिक्वायरमेंट पे आ जाएगी 0.5 आ जाएगी ठीक है ना इसके अंदर टर्बिडिटी भी जो है वो क्योंकि इसने प्लांट को क्लीन करना जाके अगर इसको कंटैमिनेट हुआ इसके अंदर तो माइक्रोब्स हुए व्हाई यू आर यूजिंग हेल्प सोडियम हाइपोक्लोराइट क्लोरीनेशन के लिए आप कर रहे हैं क्लोरीनेशन दिस इज क्लोरीनेशन एंड इफ यू वांट टू मोर इफेक्टिव क्लोरीनेशन देन यू विल यूज हियर डाइंग नहीं बेटा बना देते हैं नहीं नहीं ले ले तस्वीर ले ले यार आपको सिखाने के लिए आपसे सीखने के लिए आए ना ये सोडियम पेंटाक्लोराइड में यूज सोडियम पेंटाक्लोराइड अच्छा क्योंकि इसके ऐसा कोई कॉन्टैक्ट तो है नहीं ये तो आपके सीआईबी में तो आप इसके आप अभी कितने मेंटेन करते हैं कुछ मेंटेन करते हैं आप कोई इस वाटर के अंदर आपकी आपकी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीनेशन करते हैं कितनी कितनी 0.5 ppm में 0.5 0.5 0.5
आप इतनी मेहनत करते हैं, आपके बड़ी पटाई नेचर हो रही है, ये सब कुछ जो आपने किया ये आपको करना चाहिए, ठीक है ना। मैं उसको बिल्कुल आपको उस पे डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो आपकी अपनी फैक्ट्री की प्रीमिसेस है ना, उसके अंदर आपने क्या किया, ठीक है ना। उसमें जैसे आपने मस्जिद का, वो मुझे बताया, इंतहाई खुशी हुई मुझे दिल से कि देखिए आपने कम से कम ये सोचा तो ना कि भाई हम ये कर लें, ठीक है। अब दूसरी बात, मेरा थोड़ा सा वो मुझे यार,